क्या हुआ? तो भैया बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? उम्मीद है ये आपने सब बच्चों ने सुन रखा होगा, आपको पहले से आता है। हाँ? क्या होता है? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, कभी देखा है इसको? कभी देखा है बेटा? सुना की बात नहीं, किसी बुक में पढ़ा? क्या पढ़ा है उसके अंदर? इसके बाद हर बुक में इसके लिए एक दो तीन बातें लिखी होती है खतरनाक सी, जो आपके मन में डाउट होना चाहिए। अगर जो बच्चा पढ़ रहा है और जिसको बेसिक नॉलेज थोड़ी कम है, तो उसके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है, वो क्या? और कोई? हाँ बिल्कुल, कोई मन में क्वेश्चन नहीं बना अगर आपने बुक से कभी पढ़ा हो तो? मैं आपकी एज में था तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके टहलता था इसके साथ, समझ में ही नहीं आता था। आपने पढ़ा होगा, आप आज जाके बुक में देखिएगा, एक जो बेसिक एरर इसकी पूछी जाती है, यूज टू के साथ में कहीं कहीं पर आप देखेंगे वी वन प्लस आई एन जी का यूज होता है। पढ़िएगा जाके, बुक कहती है कि कुछ जगहों पर, वो जगह क्या है अभी हम आज एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में, लेकिन यूज टू के साथ कभी वी वन भी यूज हो जाएगा, कभी वी वन प्लस आई एन जी भी यूज हो जाएगा, और पेपर यही एरर बना देता है बेटा, कि आप देख कर जाएंगे, आपने रट लिया यूज टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी आता है, वहां पे नहीं था आपने लगा दिया, गलत हो गया। दूसरी जगह आप देख के कहते यूज टू के बाद वी वन आता है, वहां वी वन प्लस आई एन जी था, आपने उसको काट दिया, फिर गलत हो गया। ये कभी नहीं पढ़ा, ही यूज टू गो कि ही यूज टू गोइंग? गोइंग भी होता है बेटा, गारंटी। तो चलिए उसी को पोस्टमार्टम करते हैं, ये कौन काबिल था? इधर आओ, पहले इसको गर्म करो ढंग से, और इतना बेटा ऐसे कौन लाता है? पहले गर्म नहीं है बेटा, ठीक है? तो चलिए तुम जब तक मेहनत करो हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, यूज टू आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आपको मिलता है, यूज टू एक सेमी मॉडल है। यूज टू क्या है? एक सेमी मॉडल है। इसी वर्ड, इस सेमी वर्ड में ही सब कुछ छिपा हुआ है, यहीं से वो बात निकल के आएगी आई एन जी क्यों लगता है। अब कोई बताएगा सेमी मॉडल मतलब? थोड़ा मॉडल है, थोड़ा कुछ और। सेमी का मतलब क्या है? दो मत जाओ बेटा, सेमीफाइनल, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी सोचने की कोशिश की सेमी का मतलब क्या है वहां पे? फाइनल से पहले नहीं तो बेटा फोर फाइनल होता, पहले को फोर बोलते ना, फोर हेड हो गया आपका। सेमीफाइनल में सेमी का मतलब क्या है? नेचर वो फाइनल का ही रखता है, एलिमिनेट बाहर हो गए ही हो गए, लेकिन वो अभी भी क्या है आपका? फाइनल नहीं है, ठीक है? तो कोई चीज पूर्णतया वो ना हो, उसमें कोई और प्रॉपर्टीज भी है, उसी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेमी। बेसिकली हम उसको हाफ कहते हैं, ठीक है? आधा ये और आधा वो, ठीक है? उसमें वो प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो पूरी तरीके से 100% वो वैसा नहीं है। तो अगर यूज टू को हम सेमी मॉडल कह रहे हैं तो 100% ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल के साथ साथ बेटा कुछ और है। आपको पेपर में यही पहचानना है कि यूज टू जो लिखा है वो मॉडल है, माफ कीजिएगा, वो मॉडल के साथ साथ जो कुछ और है वो है, या फिर ये तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो बेटा, बैठ जाओ। मन एकदम, क्या बताएं कैसे काम चलेगा जीवन में, शादी तुम्हारी हमें लग नहीं रहा ज्यादा सक्सेस हो पाएगी, जैसे तुमने अभी पानी गर्म किया है ना, शाम तक तलाक गारंटी है बेटा। अरे बेटा तुमने थोड़ा पेशेंस, शादी का मतलब क्या है? धैर्य, पेशेंस ही नहीं है आप में। मैं पानी गर्म करने की, फिर वही बात है यार, एक एग्जांपल नहीं, बात समझिए, आप में धैर्य ही नहीं है। यही चीज पढ़ाई में भी है, पेशेंस भी तो कोई चीज हो, एक्सपीरियंस बेटा यहीं से आएगा, पहले करो तो। सेमी मॉडल में आप देखेंगे ये एक मॉडल है, दूसरा बच्चे ये एक एडजेक्टिव भी है,
यूज टू एडजेक्टिव का भी बिहेवियर रखता है और यही पेपर फंसाता है आपको, क्योंकि आप यूज टू को कैसे यूज करा रहे हैं, मॉडल हर जगह मॉडल वाले फंक्शन बिहेव करा रहे हैं, आप पहचान नहीं पाते कि जो जिस यूज टू को आप अभी तक मॉडल समझ रहे थे वो यहाँ पे एडजेक्टिव बन के बैठ गया है। और अगर एडजेक्टिव बन के बैठेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज एडजेक्टिव जैसी फॉलो होंगी उसके द्वारा, ठीक है। तो अब प्रश्न यही आता है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, तो पहले जरा मॉडल का पोस्टमार्टम कर लिया जाए फिर एडजेक्टिव की तरफ जाते हैं। लेकिन बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो क्या नाम है आपका, जो यूज टू है वो आपका क्या है, एक सेमी मॉडल है, ठीक है। सेमी मॉडल का मतलब क्या है, इसमें मॉडल के साथ साथ कोई और प्रॉपर्टीज भी है, वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एडजेक्टिव की है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको जरा डिप कर दें, गरम तो तुमने किया नहीं है बेटा, तो कहाँ से काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब जब ये मॉडल बनेगा तब तक क्या होगा, वो आप लोग खुद ही आंसर कर रहे हैं। जैसे उस बच्चे ने बोला कि यूज टू एज अ मॉडल ऑक्सिलरी क्या दिखाता है बेटा, पास्ट की हैबिट को। इस सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद करिए आप नाइन्थ क्लास में जब आए होंगे तो इस तरीके के सेंटेंस आपने किए होंगे, मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी, अब नहीं सुनाती। मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी, अब नहीं सुनाती। अब या तो आप इस दुनिया में नहीं हैं या कहानियां खत्म हो गई हैं, दादी हैं, ठीक है। कहानियां भी तो खत्म हो सकती हैं, जरूरी है दादी को बेटा बुजुर्ग हो गई तो ऊपर निपटा दूं, गलत बात है ये सब। तो यूज टू का यूज भूतकाल की आदतों को दिखाने के लिए किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे एक बात हिडन है जो आपको कंफ्यूज करती है। यूज टू का यूज भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए किया जाता है जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। ऐसी भी तो आदत होती है, वो आज भी बीड़ी पीता है, मतलब पहले भी पीता है और अभी भी पीता है, लेकिन वो पहले बीड़ी पिया करता था, अब नहीं पीता। याद रखिएगा, भूतकाल की आदत दो तरीके से होती है, आप दोनों को एक ही में लपेट देते हैं। एक वो आदत जो आप पहले करते थे अब नहीं, पहले करते थे अब नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 10-20 साल बाद तुम अपने बच्चों से कहो, अरे सन 2020 में हम लोग मास्क लगाया करते थे, अब नहीं। लेकिन मान लो फिर अभी 1-2 साल बाद कोविड आ जाए और ये हमारी लाइफ में ही जुड़ जाए कि आपको हर साल हर टाइम मास्क लगा के ही रहना है, तो तुम अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे कि हम लोग भी मास्क लगाया करते थे, कि आज भी हम लोग मास्क लगाते हैं। मतलब बच्चे को यह पता चल जाए कि पिताजी 40 साल हो गए मास्क लगाते लगाते, नाक ऐसी हो गई है मास्क लगा लगा के, है ना, कान ऐसे हो गए हैं, ठीक है। तो मॉडल यानी कि यूज टू का यूज सिर्फ पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है, वो भी तब जब वो हैबिट आज की डेट में फॉलो ना हो रही हो, डिसकंटिन्यू हो गई हो, कुछ भी कह लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप बूढ़े हो जाएं, कहें मैं बचपन में स्विमिंग किया करता था, अब नहीं करते, लेकिन आप कहे आज भी स्विमिंग करते हैं, तो मैं आज भी स्विमिंग करता हूं। वो आज भी सुबह जल्दी उठता है, वो आज भी सुबह टहलने जाता है, ये सारी आदतें पास्ट की तो हैं। मेरी दादी आज भी मुझे परियों की कहानी सुनाती हैं, ये आदत तो है, लेकिन आज भी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, कंटिन्यू है। तो क्या आप इसको यूज टू से दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। दिखा सकते हैं, वो दूसरा सिनेरियो है, बाद में बात, अभी के लिए नहीं दिखा सकते। तो जब जब आपका यूज टू बीइंग अ मॉडल बिहेव करेगा, वो हमेशा 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 पास्ट की उन हैबिट्स को दिखाएगा जो प्रेजेंट में खत्म हो चुकी हैं। क्लियर है इतनी बात, बोलो। हाँ, अरे बोलो तेज, एक आदमी जी बोला। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी बेटा आप स्टूडेंट हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, एक दिन पिताजी ने ठेला लेके दे दिया तो 3 बजे उठने लगे, सब्जी भी खरीदने जाओगे कि नहीं जाओगे, बेचना ही शुरू कर दोगे। मान लीजिए आप अभी 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी, लेकिन कल को जॉब लग गई, ऑफिस 10 बजे का है, तो 8 बजे तक सो के उठ रहे हो, फिर याद कर रहे हो, यार एक जमाना था जब मैं सुबह जल्दी उठा करता था, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी,
अब ही या आई जो भी कर लीजिए, ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पे जो बच्चे आपने यूज टू का यूज किया है वो क्या है? पास्ट की हैबिट को दिखा रहा, यानी आप यहां पे इस तरीके से कह सकते हैं यूज टू कैसे बिहेव कर रहा, एक मॉडल की तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हम पहचानना है हमको कि ये मॉडल नहीं रहा, एडजेक्टिव बन गया। अभी हम धीरे से पहचानेंगे कि ये मॉडल नहीं, ये क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। कैसे देखते हैं, ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और याद करिए मॉडल के साथ हमेशा 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 क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टिंग में बता रखा है, ठीक है। तो ही यूज टू गेट, गेट आपकी वी वन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही चीज पेपर अगर, चलो अच्छा अभी उसकी बात नहीं कर रहा, ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पास्ट की हमारी क्या है, आदत। माई ग्रैनी यूज टू क्यूट द स्टोरी, फेरी टेल्स कुछ भी कह लीजिए, मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी, तो माई ग्रैनी यूज टू फलाना ढिमकाना कुछ भी। मैं स्विमिंग किया करता था, आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में स्विमिंग किया करता था। ये सारी इसीलिए कहा था क्लास उधर रखता, लेकिन तुम लोग वो खुले कैसे, है ना, आलस भी तो कोई चीज है, कल अगर ना मिले उधर बदतमीज हो बहुत। खैर यहां शोर, चाहे दरवाजा बंद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, नहीं जाएगा। कहां थे हम, आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में स्विमिंग किया करता था। ही यूज टू स्मोक, अब देखिए आपने सुना होगा ही यूज टू स्मोकिंग, क्या सुना है बेटा, दोनों सुने लेकिन दोनों में खेल है। वो क्या है, अभी पत्ते खुलेंगे धीरे धीरे, दोनों सुन रखे हैं, अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा यूज टू स्मोकिंग भी मिलेगा और यूज टू स्मोक भी मिलेगा, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की मीनिंग अलग हो जाएगी, दोनों की ग्रामर अलग हो जाएगी, उसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या है अभी बताता हूं, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात, यूज टू को पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए किया जाएगा जो इस वक्त में क्या हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, यूज टू का यूज पास्ट की हैबिट, प्रेजेंट की हैबिट और फ्यूचर की हैबिट, तीनों की हैबिट बताने के लिए भी किया जाता है। कह दो कि ये क्या बदतमीजी है, पहले ही बता दिए होते, अभी तक बोल रहे हो यूज का, टू का यूज पास्ट की ऐसी हैबिट बताने के लिए किया जाता है जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन यूज टू का यूज पास्ट की ऐसी हैबिट बताने के लिए भी किया जाता है जो अभी भी जारी है, और प्रेजेंट की भी हैबिट बताई जा सकती है और भविष्य में भी होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे बच्चे, एक टाइम आया छोटे बच्चों को भी मास्क लगाना था, ठीक है, नहीं लगा रहे, हम ही लोग नहीं, सफोकेशन जैसा फील करने लगे थे, आदत नहीं है, तो पिताजी समझाते थे अरे बेटा लगाओ जल्द ही आदत पड़ जाएगी, यू विल सून गेट टू वेयर द मास्क। मैंने जो ग्रामेटिकली बोला है ये गलत है, ठीक है, कैसे क्यों अभी बात करेंगे, तो भविष्य में भी आदत होती ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप नया नया कोचिंग जाते हैं, 10 बजे उठने वाला बच्चा लेकिन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सुबह 6 बजे उठ के आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, प्रेरणा तो यहीं से आती है आपकी, ठीक है, तो मैंने उसी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो कहां से दिमाग में आता है। तो वापस आते हैं, सो तो नहीं रहा कोई, वैसे आज तो सब जग रहे हो, कहां थे, ये ठुकरा के मेरा प्यार से पहले मैंने क्या बोला था, हाँ, आप अभी तक बेटा 10 बजे तक सो रहे थे लेकिन अब आपको जोश आ गया, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आप सुबह 6 बजे उठ के कोचिंग जा रहे हैं, मतलब उठा नहीं जा रहा आपसे, तो आपकी मम्मी आपका दोस्त आपका भाई समझा रहा है भाई कुछ दिन की बात है आदत पड़ जाएगी। तो भविष्य में भी आदतें दिखाई जाती हैं, तो इसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, यूज टू का यूज पास्ट की उन हैबिट्स को दिखाने के लिए किया जाता है जो अब डिसकंटिन्यू हो गई हैं, लेकिन यूज टू का यूज पास्ट की उन हैबिट्स को दिखाने के लिए भी किया जाता है जो अब डिसकंटिन्यू नहीं हुई, प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए भी किया जाता है और निकट भविष्य में होने वाली आदतों को दिखाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन तब ये एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए आपके साथ दिक्कत है, जब आप यूज टू को बुक में पढ़ते हैं और अंडर द हेडिंग ऑफ मॉडल्स तो वो यही बात लिखती हैं कि पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए किया जाता है, वो गलत नहीं लिख रही,
अधूरा लिख रही हैं बस कि यूज टू का यूज पास्ट की उन हैबिट्स को दिखाने के लिए जो अब डिसकंटिन्यू हो गई हैं, वो तभी तक करेगा जब तक वो एज अ मॉडल यूज हो रहा है। बात समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जब तक यूज टू मॉडल है वो भूतकाल की उस आदत को दिखाएगा जो अब डिसकंटिन्यू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी, मैं तैरा करता था अपने बचपन में, मैं SSC की तैयारी किया करता था, कुछ भी ऐसा, अब तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि मेरा भाई आज भी सिगरेट पीता है, या मेरा भाई आज भी सिगरेट पिया करता है, मेरा भाई आज भी सुबह जल्दी उठ के टहलने जाया करता है, मेरी दादी माँ आज भी मुझे मनोरम कहानियां सुनाया करती हैं, शब्द नहीं मिल रहा था, फेरी टेल्स तो यही आ गया, ठीक है, तब क्या करोगे? तुम्हें बेटा निकट भविष्य में सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, तुम्हें मास्क पहनने की आदत पड़ जाएगी, तुम्हें आइसोलेट, याद करिए कोविड में सब अपने अपने कमरे में ठुसे रहते थे, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो हमें पड़ गई ना आदत बहुत सारी चीजों की। तो भविष्य की आदत को दिखाने के लिए भी यूज टू का यूज किया जाएगा, लेकिन तब वो मॉडल नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब प्रश्न होता है पेपर में कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां इतना समय तो नहीं है कि हमारे पास, हम सबकी हिंदी बनाए, और एग्जामिनर क्या चाहता है, कैसे पता करेंगे हम, उसको देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड एडजेक्टिव, ठीक है। अब भूल जाइए यूज टू क्या है, पहले मॉडल्स का एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है और एडजेक्टिव की एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, उसी के पोस्टमार्टम के थ्रू हम समझ जाएंगे पेपर में मॉडल्स लिखा है। मुझे एक बात बताओ, याद करिए मेरा वर्ब का पहला लेक्चर, वीडियो पढ़ाया जाके देखिएगा, मकड़ी जैसा कुछ बनाया था, उसमें मैंने एक तरफ लिखा था ऑर्डिनरी वर्ब, दूसरी तरफ लिखा था ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा ग्रामेटिकल टर्म की बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं पुराना डेटा आपको पता होना चाहिए, इसीलिए रिकॉर्डेड है कि अगर आप उसे मिस कर जाओ तो देख लो। तो उस मकड़ी के जाल में मेरा पहला वीडियो जाके देखेंगे, वर्ब में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने एक तरफ उसको बाइफरकेट किया था, किससे? ऑर्डिनरी वर्ब, और दूसरी तरफ क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो बाइफरकेशन किए थे, एक तरफ लिखा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी तरफ ऑक्सिलरी वर्ब, माफ कीजिएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वहां पे डिफरेंस समझाया था कि क्यों इसको प्राइमरी कहते हैं और क्यों मॉडल को प्राइमरी से अलग किया गया, डिफरेंस समझाया है, वीडियो जाके देखेंगे पता चल जाएगा अगर भूल गए हो तो। तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों अलग अलग हो गई थी। मुझे क्या बता सकते हो आप कि क्या कभी मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिख सकते हो? हाँ या ना? अब दिक्कत यही है, ऑक्सिलरी वर्ब पता ही नहीं क्या है, तो प्रभु तीन ही तो थी, डू बी और हैव। अब यही तो है ना, आपने उसको अच्छे से समझा होगा तो आपको क्लियर होगा कि टीचर क्या बोल रहा ग्रामेटिकल टर्म में। तो क्या मॉडल, अब मॉडल वर्ब कौन सी होंगी? यही कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, नीड, डियर, अभी आगे आप पढ़ेंगे जाके इन सबको। क्या ये मॉडल्स का यूज ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मींस डू बी और हैव के साथ में किया जा सकता है? बोलो, घंटा, इतनी गुस्सा लगी है तुम लोग, हां में सर हिला रहे हो। अगर ऐसा होता तो He is able to क्यों किया गया था? He is can ना कर देते? Can is equal to able to पढ़ाया था, अब can का वीडियो जाके देखो, इसलिए कहते बेटा पुराना देख के आया करो। कभी पढ़े हो? He is can, He is may, He was may, He have may, He have will, पढ़ा है कभी? कभी सोच सकते हो? फिर कैसे हाँ में आपने सर हिला दिया, तुम्ही को कह रहा हूं। अरे प्रभु, मैं डू बी और हैव की बात कर रहा हूं, बी इज एम आर वॉज वर्ब, डू बी और हैव फाइनाइट वर्ब होंगी, बीन और बीइंग आपको बताया था नॉन फाइनाइट हो जाएंगे, फाइनाइट मतलब जो शिव नहीं है, शिव नहीं शव, एग्जाम्पल दिए थे, जो शिव वो अनंत, जो शव वो हम, आप हम और आप, आखिर में शब्द ही बनेंगे, यही कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिनका रूप बदल जाए, जो भगवान पे डिपेंड है तो जो वर्ब डिपेंड है, इज एम आर वॉज वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। और बीन जिसकी तुम बात कर रहे हो बच्चे, वो नॉन फाइनाइट। इतना डीप में मैं ले जाके आपको पढ़ा के आया हूं, फिर भी आप सब कुछ मिक्स कर रहे हो, मूड खराब कर दिया। खैर छोड़ो, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जो भाई बंधु, ये शिव क्या है, शव क्या है, वीडियो जाके रिफर करिए, शुरुआत से सुनिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश के वीडियो इसीलिए रिकॉर्डेड है, रीजन इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है कि आज आपने परसेंटेज छोड़ दिया तो आप, हालांकि परसेंटेज छोड़ दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पकड़ में जल्दी नहीं आता, लेकिन आपने ट्रिगो छोड़ दी तो एवरेज, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आपने टेंस छोड़ दिया, आपने
मॉडल्स छोड़ दिए और आप सीधे एडवांस वर्ब पढ़ने लगे, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो पहले वीडियो रिफर करिए, वहां पे फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ाए हैं, डिटेल में नहीं पढ़ाया, डिटेलिंग अभी इसके बाद में होगी, लेकिन शिव और शव दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बातें समझाई थी। लेकिन वापस आते हैं, मैं कहा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी एक साथ नहीं लिखे जा सकते, और नहीं तो एग्जांपल देख लो ना, कभी देखे हो मे के साथ डू लगते हुए, नहीं लग सकता। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कभी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती, पक्का सच्ची। देखो ना ये मॉडल है, इसमें कहीं ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रही है कि यहां पे डू लिख दिया हो? ऑक्सिलरी इन द सेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन ही होती हैं, डू बी और हैव। जब टेंस के वीडियोस बनाए थे एक एक को खोल खाल के सब दिखा दिया था मैंने कि इनके फाइनाइट वर्जन भी है। आपको पढ़ाया था डू का डूइंग भी होता है, लेकिन डूइंग कौन सा है? नॉन फाइनाइट, ये शिव है, और लेकिन इसके फाइनाइट वर्जन क्या है? डू और डस, ये बेटा शव है। समझ पाए? कुछ याद, समझ तो नहीं आया होगा मुझे मालूम है, कुछ याद आया कि कभी देखा है हमने इनको? तो क्या मॉडल के साथ डू बी और हैव यूज होता है? नहीं होता, पक्का। अच्छा, ही इज अ टीचर, चलो इसकी बात नहीं करते हैं। अब इसी सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा ही इज यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब पेपर में यही सेंटेंस ऐसे लिखा है, आप ध्यान ही नहीं देते हो, अंतर समझना, यही खेल है, आप ध्यान ही नहीं देते हैं कि हो क्या गया। अब यहां पे यूज टू के साथ आपने क्या देख लिया? इस देख लिया, जो बच्चा कह रहा है ना वो भ्रमित है क्या? अब कहोगे सर आपने तो कहा था यूज टू के साथ, अगर यूज टू मॉडल है तो मॉडल के साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती, लेकिन यहां पे मैंने क्या चेपा? इस, और इस बेटा क्या है? बी का ही फाइनाइट वर्जन है, पढ़ा चुका हूं मैं। तो इस क्या है आपका मॉडल, सॉरी प्राइमरी, शॉर्ट में लिख देता हूं ऑक्सिलरी वर्ब, और यूज टू क्या है? मॉडल। अब आप कहेंगे सर आप तो गलत पढ़ा गए। मैंने गलत नहीं पढ़ाया बेटा, आपको यही समझना है कि अगर आपको पता है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो यूज टू दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मॉडल नहीं होगा, यानी आपका नजरिया गलत है। आपको क्या लगता है यूज टू के साथ इज एम आर वॉज वर्ब, देखे हो ना, लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है इसी से आप कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि मॉडल के साथ हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। नहीं, मॉडल के साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कभी यूज नहीं हो सकती, लेकिन जहां पे आप जो चीज देख रहे हैं वहां पे वो मॉडल ही नहीं है। बात पकड़ में आई क्या कहना चाहता हूं? तो अगर आपको पेपर में लिखो नहीं बेटा, वीडियो रिकॉर्डेड है, सुनो ध्यान से, घर पे जाके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको यहां पे इस दिखाई दे रहा है दैट मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और अगर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो दुनिया की कोई ताकत इसको मॉडल नहीं बना सकती। अगर ये मॉडल नहीं है तो अब आप जानते हैं, ये आपका नॉलेज है कि यूज टू का यूज मॉडल के साथ साथ एडजेक्टिव के लिए भी किया जाता है। तो आप होशियार बच्चे हैं, आप इस बात को अच्छे से समझ गए कि ये मॉडल नहीं हो सकता, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, होगा। और अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। अब प्रश्न आता है एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने एडजेक्टिव पढ़ा दिया, इसके वीडियोस अपलोडेड नहीं है, वो जब भविष्य में दोबारा पढ़ाऊंगा तब अपलोड कर दूंगा, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बात सीखी होगी, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? विशेषण, विशेषता ही तो बताता है, और विशेषता किसकी बताओगे? तो मेरे पास 1,00,000 का मोबाइल है, तो पहले मोबाइल होगा ना, उसकी खासियत है कि वो 1,00,000 का है। मेरी शर्ट काली है, ब्लैक है, तो पहले शर्ट होगी ना, फिर उसकी खासियत निकलेगी क्या है? ब्लैक है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो स्टूडेंट, तो पहले तुम स्टूडेंट हुए, फिर तुम्हारी क्वालिटी बात आएगी। यानी एडजेक्टिव का अस्तित्व बिना नाउन के नहीं होता। भाई ये मार्कर क्या है? काला है, तो इसकी खासियत है, ये इसका एडजेक्टिव है ब्लैक। ब्लैक कोई नाउन नहीं है, ब्लैक यहां पे क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा, लेकिन क्या है काला? पहले मार्कर तो हो, तो नाउन होगा तभी उसकी विशेषता होगी, नाउन होगा तभी उसकी विशेषता होगी। अगर नाउन ही नहीं तो एडजेक्टिव का क्या काम? कभी देखते हो ना, मरने के बाद ही लोग ज्यादा तारीफ करते हैं। अभी तुम हो, मैं ही कह रहा हूं, आवारा गर्दी, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं, खुदा ना खास्ता, क्या लड़का था भाई साहब, मतलब मैथ ऐसे करता था, क्यों? क्योंकि जानते हैं अब वो दुनिया में दोबारा दिखेगा नहीं,
उसका नाउन खत्म हो रहा है, तो जाते जाते उस नाउन को कुछ अच्छी एडजेक्टिव तो देते जाएं, क्योंकि जब आप दिखना बंद हो जाते हैं, आदमी 2 दिन 3 दिन, घर वाले भी बेटा हफ्ते 10 दिन महीना भर, माँ छोड़ के माँ बाप छोड़ के 15 दिन बाद कभी कभी आदमी ओकेजनली रोता है या याद करता है, हर टाइम नहीं याद करता। इसीलिए मरने के बाद अच्छे अच्छे एडजेक्टिव दे दिए जाते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। अभी कोई पूछ ले दिन भर आवारा गर्दी कुछ नहीं पड़ता, एक बार निकल के देखो, पुल मैं खुद पुल बांध दूंगा। क्या लड़का था भाई साहब, पढ़ाई अरे इंग्लिश टपकती थी। भाभी जी घर पर देखे हो तो कभी कभी कोई मर जाता है करेक्टर उसमें, मतलब स्टोरी वाइज, तो सब लोग बैठ के उसकी तारीफ में पुल बांधते हैं। एक बार गुलफाम कली मर गई थी, तो जो जो कमेंट पास किए गए थे, खैर छोड़ो वापस आते हैं, कहाँ थे हम, एडजेक्टिव। तो मेरे दोस्त एडजेक्टिव का अस्तित्व उसके नाउन के बगैर नहीं होता। अगर पेन है तो बेटा वो ब्लू है, तो ब्लू उसकी वाइट शर्ट है, तो वो बेटा क्या है, ब्लैक है। छोटा सा बच्चा है, बड़ा शैतान है, तो आपने उसके लिए शैतानी के लिए कोई वर्ड डाल दिया। आप लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं अंग्रेजी में, ठीक है, तो आपने उसका एडजेक्टिव लिख दिया। तो एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता। अब खेल देखो बेटा, यहाँ पे ये मॉडल था, मॉडल को क्या पसंद है, V1, तो ये तो V1 ही है। अब आपने पेपर में यहाँ पे जो लगाया वो है क्या V1? बेटा गेट गॉट गॉटन बचपन में पढ़ाया गया होगा वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, तो आपने V1 ही तो लिख रखी है। अब लेकिन फिर वही गाना, बेबी को तो बेस पसंद है, और तुमने क्या लगा दिया, तुमने इसकी, तुम क्योंकि तुम्हें शक्ल तो सबकी एक ही दिख रही है, तुम इसको भी मॉडल मान के बैठे हुए हो, और मॉडल के बाद में V1 आता है, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें सिखा रखे हैं, तुमने यहां भी चेप दिया, लेकिन खेल खत्म। मॉडल ये बन नहीं सकता क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ठुकी पड़ी है आगे, ठीक है, और जैसे ही ये लग गई इसने मॉडल होना छोड़ दिया, ये क्या बन बैठा, एडजेक्टिव, और जैसे ही एडजेक्टिव बन बैठा इसको अपने बाजू में कौन चाहिए, नाउन, और आपने क्या लगाया है V1, यहीं पे आपके जीरो हो गए, गलत हो गया। तो अब प्रश्न आता है अब क्या करें। तो आपको आज से 200 साल पहले मैंने कभी ये बात बताई थी तुम लोगों के चक्कर में, वैसे ही ये पानी नहीं गर्म किया था ठीक से, चलो अब एक सांस में ही पियेंगे सीधे। आपसे 200 साल पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, क्या आ रहे हैं अभी, जो बच्चे नहीं जानते इसको तो सुन लीजिएगा, डिटेलिंग अभी हम एडवांस वर्ब में इसकी पढ़ेंगे, लेकिन चलो फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा, कभी किसी की शादी में गया, पर लड़के को एकदम नहला धुला के एकदम, महिलाएं नहीं वो तस्लिम बेटा लगता है, कहो कुछ लोग तो रेगमाल निकाल ले खाल उतार दो, बहुत काला दिख रहा है, ठीक है, एकदम काजल आजल लगा के शेरवानी वेरवानी पहना के पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करते हैं उस दिन, वो लड़का छोड़ सब लग रहा होता है, लड़कियां तो फिर भी चलो थोड़ा रेलिवेंट कपड़े पहनती हैं, लड़के क्या पहन के जाते हैं, वो नोकदार जूता पता नहीं किसके चूहने का है आगे, है ना, वो क्या नागरा बोलते हैं शायद जूतों को, खैर छोड़ो, तैयार होके जाते हैं, रूप बदल दिया जाता है। वो अब जोक सुनाना चाहिए कि नहीं, बुरा मत मानिएगा, एक वो नहीं जोक था, एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था, फिर लड़की ने मुंह धो के दिखाया, तब जाके मामला शांत हुआ, व्हाट्सएप पे आया था, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक जोक है। यहां पे मैं समझाना सिर्फ इतना यहां पे मैं समझाना बेटा सिर्फ इतना चाहता हूं, एक पर्सनैलिटी रूप बदल सकती है, तो क्या एक ग्रामर का कोई शब्द रूप बदल के क्या अपनी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं कर सकता। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहला लेक्चर नाउन का देखिए, देख पता चल जाएगा। तो क्या इंग्लिश में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इंग्लिश हमारी आपके लिए तो है, लैंग्वेज ही तो है, तो इंग्लिश भी बेटा मेकअप करती है, इंग्लिश भी अपना रूप बदलती है। कैसे, आपने बचपन में देखा होगा स्विम, बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी केवल एक एग्जांपल ताकि आप समझ में आ जाएं। ये दिख रहा है इस साइड का, तुम लोग बताते भी नहीं हो, स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, बचपन में आपके टीचर ने आपको कहा था ये सेंटेंस गलत है बेटा, स्विम की जगह क्या कर दो, स्विमिंग कर दो, ठीक है। उस दिन हमको नहीं समझ में आया था कि ये क्यों करते हैं गुरुदेव, कहते हैं इसको सही, अब क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, इस वर्ब है आपकी, और वर्ब से पहले कोई चीज लिखी जाती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, इतना पता ही है, ठीक है। आपको मैंने नाउन और प्रनाउन में तबीयत से पढ़ाया है, माफ कीजिएगा,
ग्रामर के अंदर परमिशन किसके पास है? केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, नाउन और प्रोनाउन। इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती, केवल नाउन या फिर प्रोनाउन। अब मुझे बताइए, आपका दूल्हा मंडप में तो आ गया लेकिन बिना तैयारी के, क्यों? क्योंकि वो अभी भी कूड़ा बीनने वाला लग रहा। भाई कूड़ा बीनने वालों की भी तो शादी होती है, वो क्या इंसान नहीं? लेकिन उस दिन वो भी सज संवर के जाते हैं। बात समझिए, अभी हम आप पढ़ने आए हैं कि फैशन शो में आए हैं, सुबह उठे मुंह पे बस पानी डाला भाग लिए, परफ्यूम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बगल वाला झेले, ठीक है, भाग लिया, क्योंकि आपका चेहरा दिखाने नहीं है, इसका काम है ना। लेकिन जब शादी में जाओगे तो आप भी बड़ा फेशियल वेशियल करा के एकदम पता नहीं क्या बन जाते हो, खुद को नहीं पहचान रहे होते, हाय ये कौन है, ठीक है। तो वहां भी यही हाल है, आपके मंडप में कौन बैठ गया है? सब्जेक्ट दूल्हा बैठना चाहिए ना, अब बैठा कौन है? वर्ब। तैरना तो बेटा क्रिया होती है, ठीक है, एकदम उल्लू लग रहा हूं मैं ये करते हुए, है ना, मछली वाली फीलिंग। तैरना एक वर्ब है जो आज शादी के मंडप में सब्जेक्ट की जगह बैठी है, तो आपको उसको मेकअप करना पड़ेगा, और इसी मेकअप को नाम दिया है ग्रामर ने जेरंड। जेरंड जानते हैं क्या है? जेरंड वो वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा, एक अभी आगे जाके मैं लिखवा भी दूंगा इसको अच्छे से सुन, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जेरंड वो वर्ब है जो नाउन का बिहेव करे, वर्ब है लेकिन उसको ऐसी जगह लगाना है जो नाउन का बिहेव करे, यानी सब्जेक्ट। तो कैसे पता चलेगा? तो ग्रामेरियन ने क्या कहा, आप लोग नहीं शेरवानी डाल के जाते हो, तो बस किसी वर्ब की शेरवानी है क्या? आईएनजी। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा दें और वो नाउन की जगह बैठ जाए तो उसको जेरंड कहा जाता है। अब ये मत कह देना सर बचपन में ही इज गोइंग टू स्कूल, तो गो में आईएनजी लगाए तो क्या नाउन है? इस सब का डिफरेंस मैं आपको जब मैं जेरंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही। किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें तो वो नाउन का बिहेव कर सकती है, और उसको तब वर्ब नहीं बोलते, उसको तब नाउन नहीं बोलते, उसको ग्रामेटिकली जेरंड बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? इसीलिए आप स्विम को क्या किए, स्विमिंग कर दिए। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सही होता है ना कि स्विम, क्योंकि स्विम एक वर्ब है और उस वर्ब में आपने आईएनजी लगा दिया तो वो क्या बन गया, जेरंड बन गया। और जेरंड का काम है क्या, किसी भी वर्ब को नाउन बना देना, किसी भी वर्ब को नाउन बना देना, ठीक है। आपका हेयर स्टाइलिस्ट समझ लीजिए, मार एकदम जंगली तरह बाल थे, एकदम काट के एकदम जेल लगा के खड़े कर दिए, आदि पुरुष का रावण, ठीक है, खड़े बाल से वही याद आता है दिमाग में इस टाइम, ठीक है। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सही हो गया। वापस आइए दोस्त, अगर ये एडजेक्टिव है और आपको पता है कि यूज टू के टाइम पे ये गेट क्या था, V1 था, और आपको यहां भी पता चल रहा है गेट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव को क्या पसंद है, नाउन। तो मुझे बताइए किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। यही आपकी बुक लिखती है क्या कि यूज टू के बाद V1 प्लस आईएनजी भी यूज होता है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, बस इतनी सी बात। यही एक नंबर की एरर में पूछ लिया जाता है। तो ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सही है। ही इज यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गलत है। ही, अब आप क्या रख लेते हो, अगर यहां पे इज एम आर वॉज वर्ब दिखाई देगा तो हम आगे आई एन जी लगा लेंगे, तो ये आपका टैलेंट है बेटा। मैंने अपना पोस्टमार्टम कर दिया कि क्यों हम गेट को क्या कर रहे हैं, आई एन जी लगा के कर रहे हैं। अब पेपर में सेंटेंस है, नाखून लग गया, तो पेपर में सेंटेंस है ही इज यूज टू स्मोक, सही या गलत? ही इज यूज टू स्मोक, इज लगा है यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लगी है, यानी यूज टू हमारा वो मॉडल नहीं हो सकता। मॉडल नहीं हो सकता तो क्या होगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होगा तो बगल में क्या होगा, नाउन, और बगल में क्या लिखा हुआ है, स्मोक। स्मोक क्या है, एक वर्ब है, तो उसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी। ही इज यूज टू स्मोकिंग, अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ ही यूज टू स्मोकिंग, तो अब ही यूज टू कुछ नहीं लगा, यानी यूज टू क्या है, मॉडल, मॉडल को क्या पसंद है, V1, और आपने क्या लगा दिया, V1 प्लस आई एन जी, तो फिर गलत हो गया, समझ गए। ही यूज टू स्मोक सही है, ही इज यूज टू स्मोकिंग सही। जंबू आगे बढ़े, वो मूवी देखी है, वेब सीरीज बड़ी फेमस ही है, कोटा फैक्ट्री देखिए ना, उसमें वो जो टीचर होते हैं उसे क्या कहते हैं कि 21 दिन में तुम्हारी आदत पड़ जाएगी,
कैसे कहेगा वो इसको इंग्लिश में? मान लो तुम गए उन्हीं के पास, उन्होंने कहा यू, मैं तुमको कहना है ना तो मैं यू लगा देता हूँ, यू आर यूज टू इट, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ये इट क्या है? यही जो आपका सिनेरियो चेंज हुआ है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपके पास, कैसे ही? हाँ है ना, आपने तो याद करके गए हो, क्या इज एम आर वाज वर लगा हुआ है तो यूज टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी आता, इसमें तो नहीं आया। पूछो का है? अरे यार ये भी मैं बताऊं, आर क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो यूज टू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बगल में क्या आना चाहिए? है एडजेक्टिव के बगल में क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन, दोनों आ सकते हैं, तो नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। और इट बेटा क्या है? प्रोनाउन है, तो जबरदस्ती थोड़ी इट का इटिंग कर दो कि गुरुदेव पढ़ाए थे, मॉडल बने, हम ठोक के आएंगे उसमें आई एन जी। कई काबिल बच्चे होते हैं, तो रटना नहीं है दोस्त, पहले चेक तो कर लो कि वो वर्ब है तो उसको नाउन बनाओ। अब एक आदमी अब ऋतिक रोशन शादी में क्या तैयार होके जाएगा? एग्जाम्पल नहीं समझे? अबे जो पहले से ही इतना स्मार्ट लग रहा है तो वो शादी के लिए क्या फेशियल कराए? वो तो हम जैसों को जरूरत है, बात समझ रहे हो? तो फिर वही बात है बेटा, इसको मेकअप मैन की कोई जरूरत नहीं है। जेरेंड आपका मेकअप मैन ही है और कुछ नहीं, इसको मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखा है नाउन और प्रोनाउन बच्चे क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बिहेव करते हैं, यही करेंगे और कोई करेगा नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप रट लें यूज टू के बाद हमेशा आई एन जी आता है। अब आपको पता है यूज टू के बाद आई एन जी क्यों आता है? क्योंकि यूज टू वहां पे एडजेक्टिव का बिहेव करेगा, एडजेक्टिव के बगल में नाउन चाहिए, और नाउन कैसे बनेगा? अगर वो नाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर वो प्रोनाउन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर वो वर्ब है तो आपको उसको जेरेंड यानी उसका मेकअप मैन यूज करके आई एन जी लगा करके खेल चलाना पड़ेगा। पक्का सच्ची सब लोग कर लोगे? बच गई अपनी रुमाल ले, डूबे थे यार, अब ठंडी ठंडी चाय तो पी ही लें थोड़ी सी। बड़ी विकट स्थिति है, खैर छोड़िए। सेंटेंस देखिए, सही है गलत? क्या करें बोलो? और जैसे ही तुमने आईएनजी लगाया ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अंदर से गालियां आती ना, हमको पढ़नी ही नहीं इंग्लिश, फील आया ना? खेल देखिएगा, यहां आप गलत हो जाते हैं पेपर के अंदर। जितना अभी आपने पढ़ा ना, ये 90% स्टूडेंट जानता है बातें, और पेपर जानता है आपको कैसे फेल करना है, या फेल करना छोड़िए कैसे गधों में से घोड़े अलग करने हैं। आप फंस गए कहां? आप एक टीचर के दायरे में फंस गए। टीचर ने आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपकी बुक, आपका टीचर आपको इतना विजन देता है तो आप इतने में ही सीमित हो जाते हैं। इसीलिए टीचर और बुक्स आपके लिए खतरनाक है, मैं कई बार ये बोलता हूँ। विजन तो आपका इतना भी हो सकता है ना, लेकिन मैंने आपको दिखाया, ऐसे घोड़े के आगे नहीं लगा दी जाती पट्टी, आगे कुछ नहीं दिखता, आपके हाल वो हो जाता है। एक टीचर इतना दिखा रहा, आप इसके आगे सोचने ही नहीं चाहते। वही आपके साथ यहां भी हुआ। क्या आपको मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, यूज टू का यूज एज अ मॉडल, एज एन एडजेक्टिव, लेकिन क्या मुझे बताइए यूज अप, अरे बाप रे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस हुई है, अभी याद रखना बतानी है यूज। लेकिन क्या फाइन, यहां ना बोलो प्लीज अभी, ठीक है? तो जो यूज वर्ब है आपका, तो यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यूज। अरे यूज मतलब प्रयोग करना, ये भी तो कोई अस्तित्व है। और इसकी थर्ड फॉर्म भी बच्चे क्या होगी? यूज्ड। तो आप जिसको यूज्ड टू समझ रहे हैं, ये यूज्ड टू है ही नहीं। जरा थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, ये तो यूज का पैसिव वॉइस है। मोबाइल फोन इज यूज्ड, मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है फॉर व्हाट? बात करने के लिए, मूवी देखने के लिए, कुछ भी कह लीजिए। तो मोबाइल फोन इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल यू आर अरेस्टेड। अब आपको पैसिव अगर नहीं पता है तो माफ कीजिएगा, अभी
इसी वर्ब के बाद में नरेशन और देन पैसिव पढ़ाऊंगा मैं आपको. यू आर अरेस्टेड, आपको अरेस्ट कर लिया गया है. ठीक है, तो वैसे ही सेंटेंस है, मोबाइल फोन इज यूज्ड फॉर व्हाट, क्या करने के लिए? बात करने के लिए, मूवी देखने के लिए, टू प्ले अ मूवी. तो जिसको आप यूज्ड टू मॉडल या एडजेक्टिव समझ रहे थे, सॉरी आप इसको क्या एडजेक्टिव समझ रहे थे, ये दोस्त एडजेक्टिव नहीं है, ये अलग सेक्शन है, ये अलग. यहाँ पे ये जानते हैं क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पीपीटी. जो मुझसे वॉइस पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, अभी के लिए रिकॉर्डेड है. जब वॉइस पढ़ लेंगे फिर से इसको देखेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा ये पीपीटी बला क्या है. ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है. तो मोबाइल फोन इज यूज्ड, मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है. याद करिए यूज्ड टू में तो क्या दिखा रहे थे, आदत, भूतकाल की आदत, भविष्य की आदत, वर्तमान की आदत, यही तो दिखा रहे थे. लेकिन यहां पे यूज टू का मतलब क्या है, प्रयोग. मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, यूज टू तो है ही नहीं, यूज है सिर्फ. और यूज का आपने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, मोबाइल फोन इज यूज्ड, मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है. क्या करने के लिए, मूवी प्ले करने के लिए. और टू अपने आप में क्या है, यहां पे बोल भी मत दियो प्रीपोजिशन. अगर प्रीपोजिशन होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो प्लेइंग होगा, वो जबकि लिखा नहीं है. तो ये इन्फिनिटिव है. इन्फिनिटिव क्या बवाल है, अभी आगे जाके देखेंगे. ठीक है, ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है. और यहाँ पे ये क्या है बच्चे, V1 ही है, 110% सही. तुम्हारे घर का जो पीछे वाला कमरा है ना, वो कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो दिस रूम इज यूज्ड टू स्टोर कबाड़, गार्बेज. बोलते हो कि नहीं, दिस रूम इज यूज्ड टू स्टोर फलाना ढमकाना. यहाँ पे यूज टू कंबाइन नहीं है, यूज अलग हो गया है, टू अलग हो गया है. यहाँ पे यूज का मतलब प्रयोग करना. दिस पेन इज यूज टू राइट, दिस मार्कर इज यूज टू राइट, दिस मार्कर इज यूज टू टीच यू. तो दिस देखो बोल भी रहा हूं, दिस मार्कर इज यूज, पॉज ले रहा हूं, देन टू बोल रहा हूं, यूज टू नहीं बोल रहा हूं. जो लोग एज अ मॉडल, एज अ एडजेक्टिव इसको यूज करेंगे तो वो यूज टू साथ में बोलेंगे. बट इसको कैसे बोला जाएगा, दिस पेन इज यूज फॉर राइटिंग एन एसे. दिस पेन इज फॉर भी लगा सकते हो, वो प्रीपोजिशन की पंगे हैं, बाद में बताऊंगा. दिस मार्कर इज यूज टू राइट अ लव लेटर. याद करिए, आपने पेन संभाल के रखा होगा, ये वही पेन है जिससे मैंने प्रेम पत्र लिखा था. लड़की को कभी मिला ही नहीं, सीधे टीचर को मिला, फिर जो सूते गए हो. क्यों प्रवीण, चेहरा बता रहा है, पुराने दिन याद कर रहे हो तुम. खैर, बात समझ में आई. कंप्यूटर इज यूज टू फलाना ढिमकाना. तो बेटा याद रखिएगा, आंख बंद करके पेपर में नहीं बैठना है. कि यूज टू आपने सोच लिया, दो ही काम करता है, भूत की आदत, वर्तमान की आदत, भविष्य की आदत. यूज टू का यूज उसकी बेसिक चीज के लिए भी किया जाता है, यूज प्रयोग. बात समझ गए. फॉर एग्जाम्पल बोलते नहीं हूं, मे आई यूज योर बाइक टूडे, क्या मैं तुम्हारी आज बाइक ले लू. तो यहां पे यूज मे के साथ V1 लगाया है, तो ये वही V1 यहां पे क्या बन गया है, V3 समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, वही क्या बन गया है, यूज्ड बन गया है. और ये इन्फिनिटिव है, ये टू का नहीं है साथ में, ये उसके साथ जुड़ गया. और आपके दिमाग में क्या है, इस देखा धाएं से लिखा प्लेइंग और जीरो करवा चले. तो पहले कभी भी यूज टू दिखाई दे, पहले पूछ लेना बेटा आदत को दिखा रहा है कि नहीं. अगर वो प्रयोग को दिखा रहा है तो ना गलती कर बैठना ING लगाने की. उतरा कुछ दिमाग में, अब मूड खराब ना, क्या नहीं समझ में आया पूछो. पीपीटी बेटा रहन दो, भी नहीं आएगा. अबे भाई हिंदी से, यहां पे आपको पता चला माय फोन इज यूज्ड, मेरा फोन की आदत है मूवी चला देता है रात में, वो भी हॉरर. फिर मैं बिस्तर पे बिस्तर गीला करता रहता हूं, लेकिन डर के मारे उठता नहीं हूं. तुम्हारे फोन की आदत है. अरे भैया फोन का प्रयोग किया जाता है. कुछ ये लेके जाओगे कि एकदम बस घुस आए हैं क्लास के अंदर, अब देखो क्या चीरफाड़ मचाते हैं. अरे बेटा सेंटेंस की मेरिट, सेंटेंस की डोमेन बताएगी ये बात कि वो किस लिए यूज हो रहा है. तुम लोग ऐसे ऐसी आंखें करने लगते हो, मैं तनाव में आ जाता हूं कि तुझ समझ में आया कि नहीं आया. तो मेरे भाई जहां पे आदत का सेंस होगा, बिंदास आपको ये दिखाई दे, आप ING लगाइए, रीजन आपको बता दिया. लेकिन यहां पे यूज आदत नहीं दिखा रहा, प्रयोग दिखा रहा. आप जा रहे हैं बेटा, मान लो कल आपको सेमी ग्रैंड में आपकी
शादी हुई थी, ठीक है, नौकरी लग गई, आप चले गए मध्य प्रदेश, 20 साल बाद लौट के आ रहे हो, 10 साल का बच्चा, जब सेवी ग्रैंड के सामने से निकले, बेटा इस हॉल का प्रयोग तुम्हारे जन्म के लिए किया गया था, अब बच्चा भी कंफ्यूज, तो कैसे, अगर वहां पे बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, तुमने अंग्रेजी में बोली ये बात, यूज टू, तो वो क्या समझेगा, आदत है इस थिएटर की तो, मतलब इस मैरिज हॉल की तो, लेकिन आप क्या सेंस देना चाहते हैं, प्रयोग तो कैसे पता चलेगा, सेंटेंस की मेरिट, सेंटेंस बताएगा ये बात आपको पेपर में, तो आपको अपना कान नाक जो पांच इंद्रियां दी हैं वो केवल इसीलिए दी गई हैं, सेंस करिए कि वो कहना क्या चाहता है, हमें लगना हमने बता के गलती कर दी, वहीं तक तुम लोग खुश थे ना कि इसमें आईएनजी लगाओ और इसमें ना लगाओ। अच्छा एक चीज और, मैं सॉरी टाइम बताना कितना हुआ, अरे बहुत समय, एक चीज और खत्म, इसके बाद खत्म करते हैं इसको, उम्मीद है समझ में आई होगी बात, नहीं भी समझ में आई होगी तो अभी इसकी एक्सरसाइज जब करी जाएगी तब देखेंगे, तुम्हारी आर्टिकल की भी एक्सरसाइज नहीं कराई है ना मैंने, अब तो भूल गए होंगे, तो मैं जरूरत भी नहीं है, नहीं ये नहीं कि मुझे करानी है, आर्टिकल भूल गए होंगे है ना, अब कोई कराने की जरूरत थोड़ी है, बेटा मेरे पास समय नहीं है, मंडे वेडनेसडे को मुझे फिर जाना है, अब तुम्हारे चक्कर में मैं पूरी छुट्टी लगाऊंगा, नहीं तो अगर मैं रात में ही निकल जाता तो काम बन जाता, लेकिन मैं ऑफिस की छुट्टी लगा दूंगा, लेकिन इतनी छुट्टी हो चुकी है अब नहीं करना चाहता मैं। हाँ यूज टू को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है ये मिस हो गया था, कोई एग्जांपल देना चाहें, बड़ा ऑकवर्ड सा बनता है ना, ये आपको क्यों ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि यूज नहीं होता, भूतकाल की आदत निगेटिव में क्या, मेरी दादी माँ मुझको कहानियां नहीं सुनाया करती थी, तो हम क्या करें, जरूरत होती है बोलने की, भूतकाल क्या, मेरा तुम लोग बैठे हो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, मेरा भाई बचपन से सिगरेट नहीं पिया करता है, अरे पीता है तो बताओ, नहीं पीता है तो थोड़ी बताओगे, तो वही बात होगी, तुम्हारे हाथ में तिल है, नहीं मेरे भी नहीं, हम दोनों भाई भाई, ये तो वही वाली बात होगी ना, जब तिल हो तब बताओगे ना कि हम दोनों भाई भाई, पुरानी पिक्चरें याद करो, लेकिन ऐसे तो हर आदमी तुम्हारे तिल नहीं मेरा हम दोनों भाई भाई, वही वाली बात होगी ना, तो यूज टू को नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड फील देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, पिताजी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आते हो कोचिंग में एंजॉय करते हो चले जाते हो, ठीक है यही तो हो रहा, लेकिन धीरे 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 वक्त बीतेगा, शादियां होंगी, मतलब सबकी ही, तुम्हारी अकेले की चार नहीं होंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फिर लंबी सी सांस लेके बोल रहे होंगे, एग्जांपल बन नहीं रहा यार, बना नहीं, दूसरा लेते हैं, हाँ बन गया, कोविड 2020 में तुम बहुत ही बदतमीज, कुछ लड़के होते नहीं जाड़े में भी, बेटा अपने यहाँ विजय था, जाड़े में भी हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा, माँ बेचारी घर में जड़ा रही बैठ के कि लड़का जिंदा लौटेगा कि नहीं, निमोनिया ना हो जाए, अटैक ना पड़ जाए, लेकिन लड़का एकदम मर्द है, हम हीरो नहीं बेटा, वो फीलिंग नहीं आती, जाड़े में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अंदर से हड्डियां तक खड़खड़ 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 हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही घूमेंगे, माँ बेचारी घर में परेशान, मैं तुम लोग हंस दिए, मैं फिर भूल गया मैं क्या एग्जाम्पल बना रहा था, तो विजय कहाँ से दिमाग में आ गया, थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, हाँ कोविड, कोविड का टाइम आया, विजय जैसी पर्सनालिटी का लड़का, पूरा दुनिया कह रही है मास्क लगाओ, हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्यों, उसका रिप्लाई है हमने आज तक कभी मास्क नहीं लगाया, तो अब क्यों लगाएं, ठीक है, तो उसके पिताजी कह रहे हैं क्या, जल्द ही बेटा तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, अभी दिक्कत हो रही है, जल्द ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, उसी को इंग्लिश में देखिए कैसे लिखते हैं, मैंने आज तक कभी मास्क का यूज नहीं किया, यानी आज तक की आदत ही तो कह रहा है, तो कैसे करोगे, आई यूज टू वेयर अ मास्क, मैं मास्क लगाया करता था, क्लियर है ना, मॉडल है, मॉडल है तो कौन सा काम करेगा, भूतकाल की ऐसी आदत जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर इसी में मैंने क्या लगाया, सॉरी आई है तो एम, मतलब भूतकाल की ऐसी आदत जो अभी भी जारी है, यही तो है, आई एम यूज टू, सही है, क्या करेंगे,
बोलो सही है ना, आई एम यूज टू वेयरिंग अ मास्क, लेकिन अब विजय क्या कह रहा, मेरी तो आदत ही नहीं, कैसे लिखूंगा, क्या करूं, अब मुझे बताओ विजय इस बात को कैसे लिखेगा कि मेरी तो आदत ही नहीं, इसको नेगेटिव बनाना है, भूतकाल की ऐसी आदत जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है इन निगेशन, कैसे बनाऊं, आई एम यूज्ड नॉट टू वेयरिंग अ मास्क। एक बालक ने यह बना दिया, कोई और बालक जो पालक खा के आया हूं, हैं? ये नेवर एवर कहां से घुसा जा रहा, अरे प्रभु आई से नहीं बना पाओगे, बना नहीं सकते, या इसको और अच्छा देखो एक काम और करते हैं, इसको और पास्ट में लेके चलें, आई वॉज कर दो, अब क्या करें, या अच्छा देखो ऐसे ही कर दो, आई यूज्ड नॉट टू वेयर अ मास्क, एक सेंटेंस ये लिखा मैंने, एक और लिख सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू वेयर अ मास्क, ठीक है, इन दोनों में पहले देखो कौन सा सही है, आई यूज नॉट टू वेयर अ मास्क, आई डिड नॉट, मैंने यहां पे यूज नहीं लिखा, यूज लिखा है, क्या करेंगे बेटा, दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों सही हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली दोनों सही हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में इसका हम यूज नहीं करते, इनफॉर्मल में आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि आप न्यूज़पेपर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, कोई नहीं काटेगा, बट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसको काट सकता है, क्यों, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, आप अपनी बुक उठा के देखिएगा, उसमें यही कहा जाएगा, यूज्ड टू होता है लेकिन यूज्ड टू जैसी कोई चीज नहीं होती, जो यूज्ड टू हो सकता है लेकिन यूज्ड टू से आप किसी की आदत नहीं दिखा सकते, यूज्ड टू से आप उसकी आदत नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको ये सेंटेंस अपने पेपर में काटना पड़ेगा, बट ग्रामेटिकली क्या ये गलत है, बिल्कुल नहीं, आपको वी टू चाहिए था, आपने डू का डिड कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा के आपने डिड कर दिया, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, यूज टू, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश इसको पूरी तरीके से क्या मानती है, गलत मानती है, अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको बींग अ मॉडल, एज अ मॉडल ही उसको यूज करना है, यूज नॉट टू डू दिस, जो भी है आपका सेंटेंस, ठीक है, और अगर इसमें मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाएगा तो आई एम नॉट यूज टू, वो आपका वैसे का वैसे इस्तेमाल होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा मॉडल है तो आप उसको नॉट को बीच में जाके डाल दीजिए, इसका यूज नहीं करना है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है, बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, इसलिए आपकी किताबों में इसको एरर कर दी जाती है, ये सेंटेंस गलत है, और ऐसे लिखा जाता है, यूज टू जैसी कोई चीज नहीं होती, होती है लेकिन वो कब होती है, जब यूज का मतलब क्या होगा, प्रयोग करना, और टू उसका क्या हो जाएगा, कोई इन्फिनिटिव की तरीके से, इस इन्फिनिटिव कह रहे हैं, हाँ इन्फिनिटिव के तरीके से उसको यूज कर लिया जाए, हो सकता है, लेकिन यूज टू की मदद से आप आदत नहीं दिखा सकते, कि ये ना कह दीजिएगा कि यूज टू भूतकाल की आदत दिखाता है, यूज टू वर्तमान की आदत दिखाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की आदत कौन दिखाता है, यूज टू ही दिखा सकता है, लेकिन पास्ट की ऐसी आदत जो डिसकंटिन्यू हो जाए एज अ मॉडल दिखाएगा, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ऐसी आदत जो अभी भी चल रही है, ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट और फ्यूचर में तो चली रही होगी, तब वो एज एन एडजेक्टिव दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, यू विल सून एक वर्ड होता है मिल नहीं रहा,
तुम्हें जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या चक्कर है, मैंने इसमें यूज टू तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। अब कर लेता, क्या है चक्कर? अब देखिए विल दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है लेकिन मॉडल तो है, ठीक है, मॉडल तो है। अब आपको इतना तो पता है, क्या दो मॉडल एक साथ आ सकते हैं? असंभव, कभी नहीं आ सकते। तो भाई साहब ये मॉडल तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये मॉडल तो नहीं होने वाला। ये क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो बगल में नाउन या प्रोनाउन चाहिए, और दिस क्या है अपने आप में, कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको प्रोनाउन में इसका पोस्टमार्टम करके बताया था। बताओ बेटा बताओ, सारे प्रोनाउन बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दो, छह है, बिल्कुल सही बात। देखो वो पढ़ तो रही है, कम से कम वो जितने क्वेश्चन पूछती ना इसका मतलब पढ़ रही है, डेली कुछ ना कुछ भेजती रहती है। दिस दैट दिस दोस वन और सच, अच्छे से पढ़ाया था शायद, अपलोड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, है अपलोड तो देख लीजिएगा। उम्मीद है यूज टू समझ गए होंगे। बेसिक बात क्या है, यूज टू के साथ वी वन प्लस आई एन जी भी आ सकता है, यूज टू के बाद वी वन भी आ सकता है। कब? जब मॉडल होगा तो वी वन, एडजेक्टिव होगा तो वी वन प्लस आई एन जी, लेकिन इन दोनों के अलावा भी यूज टू हो सकता है। कब? जब वो पैसिव वॉइस में प्रयोग को दिखा रहा हो, तो वहां पे वो टू उससे अलग हो जाएगा और वो एज अ इंफिनिटिव कॉल करेगा, ना कि मॉडल या एडजेक्टिव के बिहेवियर, ठीक है। उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा, बंद करो।